दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पांडे आपको आज रेफर कराने जा रहा हूँ डिजिटल आईसी ट्रेनर पर, आईसी संख्या 74LSI94, जो कि करेगा सीक्वेंस शिफ्ट रजिस्टर की तरीके काम करेगा, अप एंड डाउन शिफ्ट रजिस्टर का प्रैक्टिकल होने जा रहा है। सबसे पहले हम सप्लाई को यहाँ से ऑन करते हैं, उसके बाद आईसी पावर को ऑन करते हैं। आईसी पावर ऑन हो गई है, यानी कनेक्शन किस प्रकार कनेक्ट है उसकी बात करते हैं। क्या होता है कि हमारे ए बी और सी डी जो होते हैं आईसी के इनपुट हैं, इस पर हमको सबको 0-0 ही सप्लाई देना होता है, इस पर हमको कोई चेंज नहीं करना है, सबको हमने 0-0 कनेक्ट करके कर दिया है। और आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट को भी हमने कनेक्ट कर लिया है ए बी और सी डी के फॉर्म में ही, क्यों ए क्यों बी क्यों सी और क्यों डी, यहाँ पर दिया है क्यों ए क्यों बी क्यों सी और क्यों डी, यहाँ पर ए बी सी और डी के फॉर्म में हमने पूरा कनेक्ट कर लिया है। फिर करते हैं एम आर की बात, इसको आई सी को ऑन करने के लिए इसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा, इनेबल की पिन मान सकते हैं इसको है, ठीक है, यानी अगर इसको ऑन कर देंगे तो हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सी पी यानी क्लाक पल्स इस पर देना है, तो हमने 1 हर्ट्ज़ की क्लाक पल्स इस पर अप्लाई कर दी है ब्लैक लीड से। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्ट लाइन की, 0 और 1 दो सिलेक्ट लाइन है, यानी यहाँ से हमको पता चलेगा कि डाटा शिफ्ट राइट करना है या डाटा शिफ्ट लेफ्ट करना है, इसी के अनुसार हमने डाटा शिफ्ट राइट या लेफ्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। होता क्या है कि जब हम सिलेक्ट लाइन पर 0 और इस पर 1 देंगे, यानी इस पर हम 0 देंगे और इस पर 1 देंगे, तो हमारा डाटा जो होगा राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकली में समझते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एम आर जो होता है इसको हम ऑन कर देते हैं, तो हम आई सी पावर हमारी ऑन हो गई है। फिर हम लोग क्या करना होता है, इस पर 0 देते हैं, इस पर 1 देते हैं, तो हमारे ये लीड जो ऊपर वाली है ये हमारी 0 के लिए, ये नीचे भी 1 के लिए, तो हम ऊपर 0 ऑलरेडी, इस पर 1 कर देते हैं, तो हमारा डाटा जो होता है ये हमारा शिफ्टिंग शुरू हो गई है। तो देखते हैं दोबारा एम आर से ही, आप वहीं पर रखिए, देखते हैं, देखो वहाँ पर डाटा हमारा क्या हो रहा है, लेफ्टिंग शुरू हो गई है, एक के बाद हमारा डाटा शिफ्ट हो रहा है राइट की ओर। ठीक है ना, आप इसको उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, देखो आपका डाटा जो है शिफ्ट हो रहा है राइट की ओर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगले को ऑन करने के लिए सबसे आसान है क्या करना है यहाँ पर, कि अगर हमें डाटा लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है तो इस पर 1 दे देंगे, यस 0 पर 1 दे देंगे और यस 1 पर 0 दे देंगे, तो हमारी जो है लेफ्ट की ओर शिफ्टिंग शुरू हो सकती है। देखते हैं कैसे होता है इसका प्रोसेस। तो क्या कहना, हमने किया है उस पर सबसे पहले आई सी पावर को ऑन कर दे रहे हैं, आई सी पावर ऑन हो गई हमारी, उसके बाद ऊपर वाले को देना है 1, नीचे वाले को 0, तो हमारी आई सी जो है ये शिफ्ट करने लगी है लेफ्ट की ओर। तो इस प्रकार हमारा डाटा जो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। और देखते हैं इसको एक बार और ट्राई करते हैं, तो हमने आईसी को ऑन किया तो हमारा डाटा अपने आप लेफ्ट की ओर शिफ्टिंग शुरू हो गई है। इस प्रकार ये आपका प्रैक्टिकल संपन्न होता है। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।